दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मौसम सर्मा हो या मौसम गर्मा, बदलते मौसम से जिस तरह हम खुद को बचाते हैं, इन मासूम परिंदों की भी हमें वैसे ही हिफाजत करनी होती है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, मैंने अपने घर की छत पर एस्ट्रोलॉग के लिए शेड बनाया है, तो सोचा कि इसकी डिटेल्स आप दोस्तों के साथ भी शेयर की जाएँ। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. हम इसकी लंबाई की बात करें तो 15 फुट जो है ना, इसकी लंबाई है 6 फुट ऊंचाई और 6 फुट ही चौड़ाई है। तकरीबन 90 स्क्वायर फुट बनता है और 70 मुर्गियों के लिए बेहतरीन जगह है। बर्ड को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए ये बड़ा बेहतरीन शेड है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो इसकी छत डाली है वो कानों की छत है, और उस काने की छत पर मैंने ऊपर मट्टी डाल दी है, मिट्टी की तह बना दी है, जिससे गर्मी काफ़ी हद तक रुक जाती है, नीचे क्रॉस नहीं होती शेड के अंदर। और शेड के आगे आप देख सकते हैं, जैसा कि शेड के आगे मैंने पर्दे डाले हुए हैं। गर्मी में दोपहर के वक्त मैं पर्दे डाल देता हूं, और सोलर प्लेट लगाई हुई है, साथ में एक एयर कूलर आप देख सकते हैं कि एयर कूलर भी लगाया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी शेड में माशाल्लाह ठंड होती है, मुर्गियों को गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। मैं ये समझता हूँ कि आप इस तरह की अपने बर्ड्स को इन्वायरमेंट दे के उनसे बहुत अच्छी एग्स की सूरत में प्रोडक्शन ले सकते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. We are
दोस्तों इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द लाइट सक्सेस पर काम करने जा रहा हूँ, और जिसके लिए मुझे आप दोस्तों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।